वीवर्स, ARY डिजिटल के ट्रॉमा सीरियल हब्स की 30th किस्त में वही हुआ जो हमने आपको पहले ही बतला दिया था। आए अब जानते हैं कि क्या होगा हब्स की 31st एपिसोड में। तो जनाब, सबसे पहले तो एक बार फिर लिख लें, लिख कर कहीं महफूज जगह पर रख लें कि आयशा को कुछ नहीं होगा, वो हरगिज हरगिज नहीं मरेगी। बहुत ही ज्यादा अगर दिखा दिया गया तो ये दिखाएंगे कि एक्सीडेंट हो जाएगा इसका, पर हमारा तो दावा है कि एक्सीडेंट भी नहीं होगा इसका। खैर होगा कुछ यूं कि सारी रात घर से बाहर गुजारने के बाद फुल मेकअप में मौजूद आयशा सड़क के किनारे फुटपाथ पर लगे एक बेंच पर बैठी होगी और फिर वो किसी गाड़ी के सामने आ जाएगी, मगर गाड़ी वाला ब्रेक लगा देगा और वो महफूज रहेगी। उधर आयशा को ढूंढ ढूंढ कर पागल हो जाएंगे बासित और बानो। बानो जोया से मिलकर रोएगी कि कहां चली गई आयशा, और इसकी माँ मुसल्ले पर बैठकर दुआएं मांगेगी कि आयशा और इसका होने वाला बच्चा महफूज रहे और जल्द वापस आ जाए वो घर। जैसे कि हम आपको बार बार बताते आए हैं कि अब सुधर जाएगी ये लालची औरत। रहा बेचारा बासित तो वो आयशा की जुदाई के गम में खूब रोएगा। वो जाएगा पुलिस स्टेशन और रिपोर्ट दर्ज कराएगा आयशा की गुमशुदगी की। पुलिस हद से ज्यादा कोशिश करेगी आयशा को ढूंढने की। पुलिस तमाम हॉस्पिटल्स छान मारेगी कि कहीं जिंदा या मुर्दा आयशा तो वहाँ मौजूद नहीं। और फिर पुलिस को मिलेगी एक हॉस्पिटल में एक नामालूम लाश। ये लाश होगी एक खातून की, इसीलिए पुलिस फौरन से पहले बुलाएगी बासित को इस लाश की शनाख्त के लिए। बासित और इसका दोस्त वहाँ फौरन पहुँच जाएंगे हॉस्पिटल। वहाँ इन्हें बताया जाएगा कि इन्हें बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, और फिर पुलिस वाला बोलेगा कि आप लोगों का ही तो इंतजार हो रहा था। वो बासित से पूछेगा कि क्या आप बासित सलमान हैं? इस पर वो जवाब देगा कि हाँ, और फिर वो लाश की शनाख्त के लिए चला जाएगा। इसके साथ वहाँ सोहा भी होगी, मगर जब वो लाश का चेहरा देखेगा तो इसे पता चलेगा कि ये आयशा की लाश नहीं है। इस पर वो सुकून का सांस लेगा, लेकिन घर पर वो सोहा को ये बात बोलेगा कि अगर आयशा को कुछ हो गया ना तो मैं जान ले लूंगा उसकी कि जिसने ये जहर घोला है। रही बात फहद की, तो वो अब दोबारा फहद से मिलना जुलना शुरू कर देगा, और वो ऐसे कि बासित इसे बताएगा आयशा की गुमशुदगी के बारे में। वो इसे फोन पर बोलेगा कि फिलहाल तो वो बहुत नाराज थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस हद तक चली जाएगी। यार कैसे कर सकती है वो मेरे साथ ऐसा। इस पर वो पूछेगा कि बासित किसी को तो कुछ पता होगा आयशा भाभी का, और फिर ये फहद ही होगा जो आगे चलकर बताएगा बासित को कि इसने बतलाई थी आयशा की माँ और इसकी डील वाली बात सोहा को, और फिर कुत्ते वाली करेगा सोहा की बासित। मगर ये तो बाद की बात है, इससे पहले बानो बासित को बताएगी कि आखिर क्यों इतना बड़ा स्टेप लिया इसकी बहन ने। वो कहेगी कि आयशा के लिए इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी और जज्बात सबसे ज्यादा कीमती हैं। इससे ये डील वाली बात बर्दाश्त नहीं हुई, वो समझी कि सौदा किया गया है इसका, इसलिए वो घर से चली गई। व्यूअर्स, अब आप कमेंट करके बताएं कि आयशा का यूं घर से बाहर चले जाना ठीक था, क्या वो ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रही। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।